नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम यहाँ पे बात करेंगे लेटेस्ट आईपीओ के जीएमपी के बारे में और जितने भी आईपीओ आने वाले उन सब का ओवरव्यू भी देखेंगे और लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रहा है उस सब के बारे में भी देखेंगे। तो एक शॉर्ट वीडियो रहने वाला है जिसके अंदर आपको सारे आईपीओ के बारे में यहाँ पे डिटेल्स देखने मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बजाज फाइनेंस के बारे में बात कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस की यहाँ पे बात करें तो बजाज फाइनेंस का आईपीओ यहाँ पे 70 रुपीज़ प्राइस बैंड पे आने वाला है और इसका जीएमपी यहाँ पे 50 रुपीज़ रहने वाला है और यहाँ पे एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 120 रुपीज़ है, यानी कि 71.43% अभी जीएमपी चल रहा है। और आईपीओ की साइज की बात करें तो यहाँ पे 6,560 करोड़ का यहाँ पे आईपीओ रहने वाला है और लॉट साइज यहाँ पे 214 शेयर की है। अगर ओपन डेट की बात करें तो 9 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा और क्लोज होगा 11 सितंबर को। इसका लिस्टिंग है वो 16 सितंबर को हमें देखने मिलेगा और ये जो जीएमपी है 71.43% ये 4 सितंबर के हिसाब से है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं बाजार रिटेल के बारे में। तो बाजार रिटेल का अगर देखें तो यहाँ पे ये 40 टाइम्स सब्सक्राइब होके क्लोज हुआ था, इसका 389 का प्राइस था और यहाँ पे जीएमपी इसका 65 रुपीज़ चल रहा है, यानी 16.71% यहाँ पे भी एस्टिमेट लिस्टिंग प्राइस चल रही है। और आईपीओ साइज की बात करें तो 834 करोड़ का ये आईपीओ था जिसके अंदर ये ओपन 30 अगस्त को हुआ था और ये क्लोज हो चुका है 3 सितंबर को। आज इसका अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट कैसे चेक करना वो भी हमने पुराने वीडियो के अंदर बता दिया, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अगर लिस्टिंग डेट की बात करें तो यहाँ पे 6 सितंबर को आईपीओ में लिस्ट होते हुए देखने मिलेगा। अभी ये 16.71% यहाँ पे जीएमपी चल रहा है, आने वाले टाइम में देखते हैं कि ये किस प्राइस पे ओपन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे गाला प्रिजन आईपीओ के बारे में। तो गाला प्रिजन की अगर बात करें तो ये 201 टाइम सब्सक्राइब होकर यहाँ पे क्लोज हुआ था, इसका प्राइस बैंड 529 रुपीज़ था और जीएमपी यहाँ पे 260 रुपीज़ चल रहा है, यानी यहाँ पे 49% यहाँ पे अभी इसका जीएमपी चल रहा है। ये 167 करोड़ का आईपीओ था और 201 टाइम यहाँ पे सब्सक्राइब होकर क्लोज हुआ है। और यहाँ पे लॉट साइज़ की बात करें तो 28 शेयर का यहाँ पे लॉट साइज था, ये 2 सितंबर को ओपन होता और 4 सितंबर को क्लोज हुआ, आज के दिन में यहाँ पे क्लोज होते हुए हमें देखने मिला था। और लिस्टिंग डेट की बात करें तो यहाँ पे ये 9 सितंबर को लिस्ट होते हुए हमें देखने मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं श्री तिरुपति बालाजी के बारे में। तो श्री तिरुपति बालाजी की बात करें तो यहाँ पे 83 रुपीज़ का यहाँ पे प्राइस बैंड रखा गया था, जीएमपी इसका 25 रुपीज़ चल रहा है और एस्टिमेट लिस्टिंग प्राइस की बात करें यहाँ पे तो 108 अभी हमें दिखा रहा है, यानी 30% यहाँ पे इसका जीएमपी अभी हमें बता रहा है। अगर आईपीओ साइज की बात करें तो छोटा इश्यू 169 करोड़ का इश्यू रहने वाला है, इसका ओपन डेट 5 सितंबर को रहने वाला है और क्लोज डेट यहाँ पे 9 सितंबर को होगा और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट यहाँ पे 10 सितंबर को हमें देखने मिलेगा और लिस्टिंग यहाँ पे हमें 12 सितंबर को देखने मिलेगी। ये जितने भी वीडियो के बारे में हम बता रहे हैं वो सबके बारे में इन डिटेल वीडियो बना चुके, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं या फिर इसके वीडियो के लिंक हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे, तो वहाँ पे जाके भी आप इन वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट आईपीओ के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट आईपीओ की बात करें तो यहाँ पे टोलिन टायर्स का भी आईपीओ आने वाला है जो यहाँ पे 226 की प्राइस पे आने वाला है, जिसका जीएमपी अभी 25 रुपीज़ चल रहा है और यहाँ पे एस्टिमेट लिस्टिंग प्राइस यहाँ पे 11% अभी चल रही है, यानी अभी काफ़ी कम यहाँ पे हमें जीएमपी देखने मिल रहा है, आने वाले टाइम में पता चलेगा। अभी तो आईपीओ की डेट दूर है, यहाँ पे 9 सितंबर को यह आईपीओ ओपन होगा और यह आईपीओ बजाज फाइनेंस के साथ ही ओपन आने वाला है और ये 230 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे आईपीओ रहने वाला है जिसके अंदर लॉट साइज 66 शेयर की रहने वाली है और यहाँ पे लिस्टिंग हमें 16 सितंबर को होते हुए देखने मिलेगी। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।